रावण वैसे हम लोग इविल मानते हैं, मतलब नेगेटिव पर्सन मानते हैं, लेकिन वो रावण इतना नेगेटिव नहीं था। इनसे एक गलती हो गई थी, वो सिचुएशन वो गलती नेगेटिव थी, अदरवाइज ही इज रियली अमेजिंग। मतलब रावण करेक्टर इज रियली अमेजिंग एंड पॉजिटिव काइंड ऑफ करेक्टर। हर बार हम इन्हें नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते हैं, बट अगर आप इनकी चीजों को देखोगे ना, हु एक्चुअली वाज रावण, उनके बारे में पढ़ोगे तो आप, हाँ एक गलती हुई थी जिससे वो राम से छोटे गिने जाते हैं, लेकिन अगर वो गलती ना होती तो ये भी महान थे। इसलिए हर बार हर इविल को रावण कह देना भी गलत होता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रावण, उसके ऊपर ये बुक है और काफी इंटरेस्टिंग बुक है, और इनकी बहुत सारी बुक्स है और ये बुक काफी ज्यादा फेमस हुई। ठीक है, हमें सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए नाम क्या है, उससे हम लोग उसको जज कर ले, एक्चुअल में उनके काम कैसे हैं उसके हिसाब से अगर आप जजमेंट करते हो तो आपको फिर समझ में आएगा कि एक सिचुएशन होती है जिसमें इंसान परिवर्तित हो जाता है, वो सिचुएशन में इनकी इनको इनका दिमाग परिवर्तित हो गया था तो वो गलती हो गई, अदरवाइज अमेजिंग।